पहले मैं सबसे पहले जो मेरे पत्रकार बंधु जहाँ आए हैं जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के जो हमारा आज का जो मिशन था हमारी जो हमारी केंद्र की सरकार है कि हर घर जल हर घर नल, उसी के तहत मेरी पंचायत में ऐसे ही अलहदा तीन स्कीमें चल रही हैं जो 8.5 करोड़ के लगभग 8.5 करोड़ के लगभग हैं। उन्हीं का एक पार्ट है जो जल शक्ति मिशन के तहत जो मेरी ये SC बस्ती और रायपुर बस्ती जो हमारे जहाँ पानी की बहुत समस्या थी काफ़ी देर से, हमने कोशिश की, हमारी सरकार हमारा सहयोग किया और हमने इसको जो आज जो शुरू काम करवाया है इसके लिए हम कामयाब हुए। मैं अपनी जो केंद्र की सरकार है हमारी जो राज्य की जो जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है खासकर जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया और साथ ही हमारे जो ग्रामवासी हैं जिनकी जो लैंड थी उन्होंने भी अपने खुला दिल करके आपने देखा ही होगा जिस तरह से उन्होंने हमारा मान सम्मान किया है और अपना दिल खोल कर उन्होंने इस जगह को डोनेट किया है। और मैं चाहता हूं कि जो हमारी स्कीम है ये हर घर नल हर घर पानी पहुंचाने में कितना फायदा होगा यहां लोगों को पानी का, कम से कम जहां 500 कुंभ है जिसको पानी की समस्या थी जो आज हल होने जा रही है और मुझे लगता है कि बड़ी जल्दी ये इस जो स्कीम है इसका फायदा हमारे लोगों को मिलने वाला है। कितनी 3 किलोमीटर के दायरे में इसका पानी जो मिलेगा जो कम से कम हमारी 250-300 कुंभा है जिसको इसका फायदा होने वाला है। और मैंने आपको पहले बताया मेरी पंचायत में लगभग 8.5 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं और कुछ कंप्लीशन पे होने जा रहे हैं और अभी ये इनकी शुरुआत है, इसके बाद इसकी जो पाइपलाइन है उसका भी काम शुरू होगा। और काफ़ी देर से आपने देखा होगा हमारे चंद साल पहले जो सरकारें होती थी एक नल लगाने के लिए कई बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे एक नल लगाने के लिए। आज प्रदेश सरकार केंद्र सरकार ने सोचा कि गरीब को पानी चाहिए, उसको बिजली की समस्या बिजली चाहिए, हर घर जब सौभाग्य स्कीम के तहत हर घर बिजली का कनेक्शन दिया गया था उसी के तहत जल शक्ति मिशन के तहत मेरी पंचायत में नहीं पूरे प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में हर घर जल हर घर नल देने की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए हमारे मोदी जी ने ये जो आश्वासन दिया था उसको पूरा करने और क्या कुछ प्रयास रहेंगे ये है कि हमें इस पंचायत में मुझे पंच और मेरी धर्मपत्नी को सरपंच बनाया, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैंने कोशिश की है पिछले 4.5 साल में आपने देखा होगा कि उससे 2 साल लॉकडाउन रहा उसके बावजूद भी कोई ऐसी बाढ़ कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहाँ हमने डेवलपमेंट की कोई कसर छोड़ी है, पर जो काम अधूरे रहे हैं मैं आश्वासित करता हूँ कि चंद महीनों में उनको भी पूरा करेंगे। और एक बात साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ आप आए थे अभी जब जहाँ के हमारे DTCM डॉक्टर निर्मल सिंह थे उन्हीं के फंड के तहत हमने जहाँ आपने देखा होगा तालाब में एक बोरवेल जो समस्या थी इनकी पहले वो लगाया है, इसी बाढ़ में जहाँ बिजली की बहुत समस्या थी उनके लिए मैंने हैंडपम्प लगाया, इसी बाढ़ में गलियों की बड़ी कठिन प्रॉब्लम थी गलियाँ बनाई हैं। जब आपने देखा होगा 14 के पहले जिस रोड से आप आए हैं जहाँ पक्की सड़क नहीं थी पक्की सड़क बनाई है और हमने पुरजोर कोशिश की है जो इन लोगों की अपने परिवार हैं जो मेरे परिवार के लोग हैं सभी जो उनकी समस्याएं हैं मैं उनको दिल से कोशिश करता हूँ कि उनको पूरा करूँ। और आपने देखा होगा कि हमारे इस बाढ़ में आप अगर पूछिए आप जिस रास्ते हैं ये थोड़ी सी एक रास्ता है इनके रास्ते की समस्या आपने देखी है, अदरवाइज इस बाढ़ में कोई काम करने वाला बाकी नहीं रहा है। और मैंने इनको आश्वासित करता हूँ कि जो इनका जो पेंडिंग काम है जो जिस रास्ते से आप आए हैं जो अनकम्प्लीट है उसको मैं जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करूँ। पहले मैं सरपंच साहब और हमारे गांव के जो सीनियर मौजूद लोग जो हैं वो जहां आए हैं उनका मोस्ट वेलकम करता हूं। और दूसरा हमारे गांव के सराउंडिंग एरिया में काफ़ी पानी की जो प्रॉब्लम थी तो उसका भी हल होने जा रहा है जो कि आज नए ट्यूबवेल की जो शुरुआत हुई है उसके लिए हम सभी का अभिनंदन करते हैं स्वागत करते हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करके हमारे लिए ये प्रॉब्लम जो थी उसको हल करने की कोशिश की है। और बाकी हमारे जो सरपंच साहब हैं इन्होंने पिछले साल भी हमें इधर बोर लगाया है और उसका भी काफ़ी लोगों को फायदा हो रहा है। उसके बाद मैं आए हुए हमारे गांववासी इनको मैं बहुत
मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इस ट्यूबवेल जो ट्यूबवेल लगने जा रहा है बहुत पुरानी डिमांड थी हमारे गांव में, क्योंकि एक छोटा सा ट्यूबवेल पहले लगा है उस वो पानी पूरा नहीं कर पा रहा था और पानी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि पानी के बिना तो कुछ भी नहीं चलता। पहले जो मातृशक्ति है उनको सबसे पहले तो रसोई घर में पानी ही चाहिए, बच्चों को स्कूल जाना है तो पानी चाहिए। तो इसलिए हमारे पंचायत में जो पहले स्कीम जो जल शक्ति मिशन जो प्रधानमंत्री जी ने जो जल शक्ति मिशन की स्कीम लाई उसके लिए सबसे पहले तो श्रेय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, प्रधानमंत्री को जाता है जिन्होंने पंचायतों को शक्तिकरण किया। हमें ट्यूबवेल, हमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट ट्रांसफार्मर लगाने के कामों में हमें जो शक्ति दी है पंचायतों को, और हमारा हर समय ये प्रयास रहता है जो भी गांव में कम पेशी है हम उसे पूरा करें। तो यही मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया।